जय हिंद स्टूडेंट, मैं संजीत कुमार एक स्पेशल टॉपिक के साथ। इसमें बताया गया है सिंगुलर से प्लुरल यानी किसी भी काउंटेबल नाउन के अंत में ओ रहे और ओ से पहले कंसोनेंट रहे, यानी ओ से पहले कंसोनेंट रहे तो उसको सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए ई एस जोड़ा जाता है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और देखिएगा, आइए सीखते हैं। जैसे पोटैटो, पोटैटो में ई एस जोड़ के प्लुरल बनाया गया है। बुफैलो, बुफैलो में ई एस जोड़ के प्लुरल बनाया गया है। निग्रो में ई एस जोड़ करके प्लुरल बनाया गया है। मैनिफेस्टो में ई एस जोड़ के प्लुरल बनाया गया है। क्यों? क्योंकि ओ से पहले कंसोनेंट, ओ से पहले कंसोनेंट, ओ से पहले कंसोनेंट, ओ से पहले कंसोनेंट आया है। तो ध्यान रखिएगा कि ओ के पहले यदि कंसोनेंट आता है और प्लुरल बनाना है तो मात्र ई एस जोड़ के प्लुरल बनाएंगे। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए थोड़ा लाइक करें, फॉलो करें और शेयर भी करते रहे ताकि और भी बच्चे कनेक्ट हो सके। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।